brought to you by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस इरिटेशन स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे चार स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। शहर की एक रोड जो करीब 3.5 दशक से बंद है, यहाँ से लोग आ जा नहीं सकते और ये रोड भी कोई गली नुक्कड़ की नहीं, VIP इलाके की रोड है, मुख्यमंत्री आवास के सामने की सड़क। रोचक सी बात है ना, बात चंडीगढ़ की है। पंजाब के मुख्यमंत्री के आवास के सामने की सड़क करीब 3.5 दशक से आम लोगों की आवाजाही के लिए बंद है। 3 मई को सुप्रीम कोर्ट के आए आदेश के बाद ये सड़क आगे भी बंद ही रहेगी। पूरी बात बताते हैं, चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में है पंजाब के मुख्यमंत्री का सरकारी आवास। 80 के दशक में जब पंजाब में आतंकवाद बढ़ा था, खालिस्तान समर्थक आतंकवादी सक्रिय थे, तो CM हाउस के बाहर की रोड को सुरक्षा कारणों से बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया गया था। क्या आप यकीन करेंगे कि ये सड़क आज तक बंद है? 90 के दशक में एक बार को सड़क खोलने पर विचार भी किया गया, लेकिन 1995 में बेअंत सिंह की हत्या के बाद, मुख्यमंत्री थे वहाँ के, उनकी हत्या के बाद रोड खोलना तो दूर, सुरक्षा व्यवस्था को और भी बढ़ा दिया गया। हाल ही में पंजाब हाईकोर्ट ने एक प्रयोग के तौर पर इस सड़क को खोलने का फैसला सुनाया था। इस व्यवस्था के तहत CM हाउस के सामने की सड़क को 1 मई से रोजाना सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोला जाना था। हाईकोर्ट का कहना था कि जब हरियाणा के मुख्यमंत्री के घर के बाहर पर सड़क पर यातायात चल सकता है, तो पंजाब के मुख्यमंत्री के घर के बाहर क्यों नहीं चल सकता। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर के ये फैसला दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और अब 3 मई को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हाईकोर्ट के फैसले पर अगले आदेश तक स्टे लगा दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील ये रखी थी कि पंजाब में अभी भी माहौल ठीक नहीं है और CM हाउस के सामने की सड़क खोले जाने से कोई अप्रिय घटना कभी भी हो सकती है। अपने तर्क के समर्थन में पंजाब सरकार ने सिद्धू मूसेवाला केस का भी उदाहरण दिया। कहा कि मूसेवाला को लंबे समय से पुलिस सिक्योरिटी मिली हुई थी, लेकिन जैसे ही सुरक्षा हटाई गई, मूसेवाला पर हमला हुआ जिसमें उनकी जान भी चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी तर्क सुनने के बाद कहा कि हम में से कोई नहीं चाहता कि कोई भी अप्रिय घटना हो। ऐसा कहते हुए कोर्ट ने अगले आदेश तक सड़क को बंद ही रखने के लिए कहा। सड़क के बंद रहने के पीछे सुरक्षा कारण है, ये बात तो ठीक है, लेकिन सड़क के बंद रहने से यातायात भी प्रभावित होता है, ये भी बात है। इस सड़क के खुलने का सबसे बड़ा फायदा पंजाब एरिया से हाईकोर्ट, रॉक गार्डन, सुखना लेक, वर्ल्ड पार्क जैसे और IT पार्क जैसे व्यस्त इलाकों तक जाने वाले ट्रैफिक को होगा। सुबह और शाम के पीक आवर्स में इस एरिया में काफ़ी ट्रैफिक जाम लगा रहता है। अब ज़रा ये दो मीम देखिए, पहला ये 19-20 का फ़र्क है और दूसरा ये स्पाइडर मैन वाला। क्यों दिखाया ये मीम? जवाब के लिए खबर पर आ जाइए। 2 मई को कांग्रेस ने लद्दाख सीट से कैंडिडेट का नाम का ऐलान किया। नाम है त्सेरिंग नामग्याल। नाम सुनते ही लोगों को लगा कि अरे ये क्या, वही BJP वाले नामग्याल हैं। बड़ा खुद्रान्वेषण करने के बाद पता चला कि दोनों अलग अलग हैं। BJP के लद्दाख से सांसद हैं जम्यांग त्सेरिंग नामग्याल और कांग्रेस ने जिन्हें इस बार उतारा है उनका नाम भी उनसे मिलता जुलता ही है, लेकिन ये वो नहीं है। ऐसा सिर्फ लद्दाख में नहीं हुआ है, पहले भी होता आया है जब एक ही सीट से एक ही या एक जैसे नाम वाले एक से ज़्यादा कैंडिडेट उतरते हैं या उतार दिए जाते हैं। इस पर रोक लगे ऐसी मांग करने वाली याचिका 3 मई को सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंची, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस BR गवई, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच के सामने ये याचिका पहुंची थी। बेंच ने कहा कि अगर किसी के माता पिता ने एक जैसा नाम दिया है तो क्या ये बात उसके चुनाव लड़ने के आड़े आ जाएगी? अगर किसी का नाम राहुल गांधी है, लालू प्रसाद यादव है और हम उन्हें चुनाव लड़ने से कैसे रोक सकते हैं? क्या इससे उनके अधिकारों पर असर नहीं पड़ेगा? ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक जैसे नाम वाले लोगों के एक ही सीट से चुनाव में उतरने पर बैन लगाने की मांग करती ये याचिका खारिज कर दी। ऐसा कब कब हुआ कि एक ही नाम वाले एक से अधिक कैंडिडेट एक ही सीट से उतरे? एक रोचक उदाहरण आपको बताते हैं। 2008 और 2013 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों की बात है। सूबे की एक सीट है राऊ विधानसभा। यहाँ पर कांग्रेस और BJP के उम्मीदवारों में 2 समानताएं थी। पहली की दोनों के नाम एक जैसे थे और दूसरी की दोनों के पिता के नाम भी एक जैसे ही थे। ये थे कांग्रेस के जीतू पटवारी और BJP के जीतू जिराती, और दोनों के पिताओं का नाम था रमेश। जीतू वर्सेस जीतू की इस फाइट का स्कोर रहा 1-1। 2008 में BJP के जीतू जिराती जीते तो 2013 में कांग्रेस के जीतू पटवारी। अब अगली सुर्खी, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। आरोप राजभवन में काम करने वाली एक महिला ने लगाए हैं। आरोप है कि घटना राजभवन के ही अंदर हुई है। पीड़िता ने 2 मई को राज्यपाल बोस के खिलाफ कोलकाता के हरे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। राज्यपाल आनंद बोस ने इन आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि ये मुझे बदनाम करने की एक साजिश है, सच्चाई की जीत होगी। अगर कोई मुझे बदनाम करके चुनावी फायदा उठाना चाहता है तो भगवान उसका भला करे।
इन आरोपों पर राजनीति भी शुरू हो गई है। टीएमसी के नेता राज्यपाल बोस को लगातार घेर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने 2 मई को कहा कि ये क्या है, पीएम आज रात आएंगे और राजभवन में रुकेंगे, इस समय राज्यपाल पर एक महिला पर अत्याचार का आरोप लग रहा है, ये शर्म की बात है। उन्होंने ये ट्वीट लिखा था जब 2 तारीख की रात में प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचने वाले थे। 3 मई को उनको यहाँ जनसभाओं को संबोधित करना था, जो प्रधानमंत्री ने किया भी। चंद्रिमा भट्टाचार्य के बयान के बाद राजभवन में उनके प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। राजभवन के एक्स हैंडल से, ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके लिखा गया है कि राज्यपाल के खिलाफ मानहानि और संविधान विरोधी मीडिया बयानों के लिए चंद्रिमा भट्टाचार्य के कोलकाता, दार्जिलिंग और बैरकपुर के राजभवन परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्यपाल ने यह भी निर्देश दिया है कि वो मंत्री की मौजूदगी वाले किसी भी समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे। मंत्री के खिलाफ आगे के कानूनी कदमों पर सलाह के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल से भी संपर्क किया गया है। इसके अलावा राज्यपाल के खिलाफ शिकायत थाने पहुंचने के बाद राजभवन परिसर में पुलिस की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। दिनभर की अन्य खबरों के लिए चलते हैं न्यूज रूम। रोहित वेमुला के केस में पुलिस ने आज क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। ये अपने आप में एक बड़ा अपडेट है। क्लोजर रिपोर्ट में तेलंगाना पुलिस ने क्या क्या दावे किए हैं, आपको पॉइंट दर पॉइंट बता देते हैं। क्लोजर रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल की है पुलिस ने, और सबसे पहला पॉइंट जो पुलिस ने कहा है वो ये कि रोहित वेमुला दलित नहीं थे। ये पुलिस का दावा है, ये पुलिस का कहना है। उनका कहना है कि रोहित वेमुला इस बात से डरे हुए थे कि कहीं उनकी जाति की ये जो कथित सच्चाई है ये बाहर ना आ जाए, इसी वजह से उन्होंने वो कदम उठाया, जान दे दी, ऐसा पुलिस का कहना है। दूसरा उनका ये कहना है कि रोहित वेमुला अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन से जुड़े हुए थे, छात्र राजनीति में काफ़ी एक्टिव थे और उनका ध्यान पढ़ाई से ज़्यादा राजनीति में था, इन राजनीतिक संगठनों की कार्रवाइयों से जुड़ा हुआ था, और इसको उन्होंने एक आधार बनाया है कि इस वजह से वो पढ़ाई में वैसा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। एक बार उन्होंने पीएचडी शुरू की वो छोड़ दी, फिर दूसरी पीएचडी शुरू की वो छोड़ दी। तीसरा उनका कहना है कि ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिलता जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगे थे कि उन्होंने कुछ ऐसा किया हो जिससे रोहित वेमुला को उकसाया गया हो या मजबूर किया गया हो वो कदम उठाने के लिए। ये सब पुलिस का दावा है, ये सब पुलिस का कहना है। हालांकि रोहित वेमुला के भाई का कहना है कि पुलिस ने उन पॉइंट्स पर जांच नहीं की जिन पर करनी चाहिए, मसलन रोहित वेमुला को किस तरह से टॉर्चर किया गया, उनके साथ क्या हुआ, वो किन परेशानियों से जूझ रहे थे। रादर पुलिस ने इस बात पर ज़्यादा फोकस किया कि वो किस जाति से आते हैं, जाति सर्टिफिकेट कैसे आया, ये सब। तो अभी इस मसले पर कार्रवाई जारी है। उनके भाई अब अलग से इस पर जो लीगल वो लोअर कोर्ट में जाकर इसके खिलाफ पिटीशन दायर कर सकते हैं, जो लीगल मामला है वो तो चलेगा ही, लेकिन ये क्लोजर रिपोर्ट का आया हुआ अपडेट था। और अब मौका है लोकसभा चुनाव से जुड़ी दिन भर की अपडेट्स जानने का। माफिया मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर लोकसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गैंगस्टर मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने अफजाल अंसारी की सजा बढ़ाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए अफजाल की सजा को चुनौती देने वाली अपील के साथ इसकी सुनवाई का फैसला किया है। अब 13 मई को राज्य सरकार और अफजाल अंसारी की अपील पर सुनवाई होगी। आपको याद दिला दें कि कृष्णानंद राय हत्याकांड के आधार पर दर्ज गैंगस्टर मामले में गाजीपुर MP MLA कोर्ट ने अफजाल को 4 साल की सजा सुनाई है। अफजाल की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने गाजीपुर कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट को मामले में सुनवाई का निर्देश दिया है। अफजाल अंसारी की अपील के साथ ही अब राज्य सरकार ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है। राज्य सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में दाखिल अपील में ये कहा गया है कि जिस गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को गाजीपुर MP MLA कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है, उसी मामले में अफजाल को 4 साल की सजा सुनाई है। राज्य सरकार की अपील में अफजाल की सज़ा को 10 साल किए जाने की मांग की गई है। ऐसे में अब हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी और राज्य सरकार की अपील को क्लब करके एक साथ सुनवाई का फैसला किया है। पूर्व कांग्रेस नेता संजय निरुपम शुक्रवार यानी 3 मई को शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की। संजय निरुपम ने कहा कि मेरे खून में बाला साहब ठाकरे के विचार दौड़ रहे हैं, 20 साल बाद मैं घर वापसी कर रहा हूं। एकनाथ शिंदे का हाथ मजबूत करने के लिए पार्टी में मैं शामिल हुआ हूं। कथित भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर विचार कर सकते हैं। केजरीवाल ने दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले के मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है।
प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने लंबी जांच के बाद अरविंद केजरीवाल को बीते दिनों गिरफ्तार किया था। इसके बाद से लगातार उन्होंने जमानत याचिका भी लगाई है जो खारिज भी हुई गई थी। बार एंड बेंच और लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने शुक्रवार को 2 घंटे तक केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की। इस मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी। और अब आज के चुनावी किस्से में भी बात अमेठी की और यहाँ के हुए एक उपचुनाव की, जब एक ज्योतिष की सलाह पर शरद यादव राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर गए थे। हुआ यूं था कि संजय गांधी की मौत के बाद अमेठी की लोकसभा सीट पर 1981 में उपचुनाव हुए। कांग्रेस की तरफ से राजीव गांधी ने यहां से पर्चा भरा। विपक्ष ने उनके खिलाफ शरद यादव को खड़ा किया। शरद यादव का कहना था कि वे यहां से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन चौधरी चरण सिंह और जनसंघ नेता नानाजी राव देशमुख के आग्रह पर उतरना पड़ा, क्योंकि चौधरी चरण सिंह और नानाजी राव को एक ज्योतिष पर बहुत भरोसा था। ज्योतिष जिसने कह दिया था कि राजीव ये चुनाव हारेंगे और इसका असर इंदिरा सरकार पर पड़ेगा, लेकिन नतीजा राजीव गांधी के पक्ष में आया। उन्होंने शरद यादव को 2 लाख से भी ज़्यादा वोटों से हराकर भारी जीत दर्ज की। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभरात्रि।